हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 28 अगस्त दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों चुनाव से पहले 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाला देश में पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिवराज सरकार जल्द ही 10,000 से 12,000 रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। शिवराज सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने चुनाव से पहले करीब 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि रेगुलर शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में चुनाव से पहले मध्य प्रदेश 62,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाला देश में पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों सरकार का मानना है कि पिछले 1.5 साल में 50,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है और वहीं चुनाव से पहले अब 10,000 से 12,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी लिया जाएगा और उन्हें 25% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों प्रदेश की 25,000,000 लाडली बहनों को मिला है तोहफा। तोहफे के तहत राशि अब बढ़ा दी गई है, अब लाडली बहनों के खातों में आएगी 1,250 रुपए की राशि। दोस्तों रक्षाबंधन से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना की पात्र बहनों के लिए राशि बढ़ाने के साथ कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि योजना के अंतर्गत अब हर महीने बहनों को 1,000 रुपए की जगह 1,250 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अभी मैं हाल में 250 रुपए डाल रहा हूँ ताकि राखी का त्यौहार बहनें ठीक से मना सके। इसके बाद सितंबर में 10 तारीख को 1,000 रुपए डालूंगा। इसके बाद अक्टूबर महीने से सभी लाडली बहनों के खातों में 1,250 रुपए प्रतिमाह आएंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि पुलिस और बाकी जितनी भी नौकरियां निकलेगी उसमें 35% भर्तियां बेटियों से की जाएगी। कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्ति करती है, अब सरकार ऐसे नॉमिनेटेड पोस्ट पर बेटियों की नियुक्ति 35% आरक्षण के हिसाब से करेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क के साथ पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखा जाएगा। वहीं लाडली बहनों की बेटियों की पढ़ाई भी अब सरकार फ्री में करवाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहनें आजीविका मिशन में भी आती हैं, काम धंधे के लिए उन्हें बैंक से लोन भी दिया जाएगा जिसका ब्याज केवल 2% होगा और वह भी मामा भरेगा। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों तथा लाडली बहनों की बेटियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे सभी को। इसके बाद परमानेंट व्यवस्था भी बनाई जाएगी ताकि हर महीने उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिले। इसके अलावा उन्होंने बिजली बिल की वसूली को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल की वसूली भी नहीं होगी, सितंबर में बढ़े हुए बिजली के बिल 0 हो जाएंगे, अर्थात आपको एक भी नहीं पटाना पड़ेगा। वहीं गरीब बहनों का बिजली बिल केवल 100 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूर दराज के जिन मजरे और टोलों में बिजली नहीं है वहाँ पर यदि 20 मकान की कोई बस्ती है तो वहाँ बिजली लेकर जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली है। इस प्रकार सरकार चुनाव से पहले सौगात पे सौगात दे रही है। दोस्तों कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने साधा है बड़ा निशाना। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा सभी वर्गों को साधने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और ऐलान भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चुनावी सरगर्मियाँ भी बढ़ रही हैं। कमलनाथ के 11 वचन के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर कड़ा पलटवार किया है। पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह झूठ बोलने की मशीन हैं। वे दोनों जनता के बीच हमेशा झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में अपने कौन से वचन को पूरा किया है वो बता दें, जबकि भाजपा ने अपनी सत्ता और कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल कर विकसित राज्य बनाया है। दोस्तों चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है शिवराज सरकार। दोस्तों मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों द्वारा
जनता से वादों की झड़ी लगना शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता बचाने के लिए बीजेपी की शिवराज सरकार नित नई घोषणाएं कर रही है और उस पर अमल भी कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के हर जिले में जाकर खुद करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्ता में वापसी का जोर लगा रही है। इसके लिए कमलनाथ जी ने जनता से 11 वादे किए हैं। इन वादों में किसान कर्ज माफी है, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन है, ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण है। इस प्रकार से 11 वादे हैं जो सरकार में आते ही निभाए जाएंगे, ऐसा कमलनाथ जी का कहना है। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब प्रदेश में मानसून हो गया है कमजोर, बदल गए हैं मौसम के मिजाज। दोस्तों, वर्तमान में कोई भी प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय ना होने से मानसून शिथिल पड़ गया है और वातावरण में नमी की कमी के चलते वर्षा का दौर भी थमने लगा है। फिलहाल सितंबर के पहले सप्ताह तक मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। एक सप्ताह तक कहीं पर भी अच्छी वर्षा होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि लोकल सिस्टम से एक दर्जन जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। दोस्तों, प्रदेश के आबकारी विभाग में फर्जी गारंटी का खेल चल रहा है, जिससे करोड़ों रुपए की राजस्व की चोरी हो रही है। प्रदेश में राज्य सरकार एक तरफ जहां फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ शासन के ही आबकारी विभाग में फर्जी तरीके से गारंटी का खेल चल रहा है। दरअसल करोड़ों की राजस्व चोरी के लिए विभाग में फर्जी गारंटी दी जा रही है, जिसकी शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान से की गई है। दोस्तों, मामला रीवा जिले का है। रीवा जिले के रविशंकर शुक्ल द्वारा मुख्यमंत्री से जिलों में फर्जी तरीके से शराब दुकान का ठेका चलाकर हजारों करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी कर रहे हैं, इसकी शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान से की गई है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, वह देखना होगा। दोस्तों, शिवराज सरकार भाजपा संगठन के सहारे जनता का विश्वास जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। 2018 की हार से उभरकर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा ने एक ऐसी सरकार चलाई है जिसके पास जनता के बीच ले जाने के लिए कई उपलब्धियां हैं। अब पार्टी संगठन के सहारे जनता का विश्वास जीतने के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। भाजपा की जीत के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और भूपेंद्र यादव जी को मैदान में उतारा गया है। ये नेता मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत की राह प्रशस्त कर रहे हैं। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव मुख्य भूमिका में हैं और सभी निर्णय उन्हीं की देखरेख में लिए जा रहे हैं। वहीं अश्विनी वैष्णव पर्दे के पीछे रहकर मिशन 2023 की जीत का ताना बाना बुन रहे हैं, ताकि चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हो सके। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार के चलते बाजारों में राखी की रौनक बढ़ गई है। इसमें रुद्राक्ष, ब्रेसलेट और स्टोन की राखियों की मांग सबसे ज़्यादा है। इस बार इंदौर में 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार होने की आशंका है। रक्षाबंधन को लेकर शहर के बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। रक्षाबंधन को अब केवल 2 दिन ही बचे हैं, ऐसे में रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से बाजार सजे हुए हैं। कोरोना काल के लगभग 3 साल बाद रक्षाबंधन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। दोस्तों, प्रदेश सहित पूरे देश में रक्षाबंधन के त्यौहार को इस बार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।